नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नागपुर यूनिवर्सिटी ने गिरफ्तार प्रोफेसर सोमा सेन को किया निलंबित। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार की गई नागपुर यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। पुणे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर गैर कानूनी गतिविधियों में भाग लेने, आपराधिक साजिश करने, शत्रुता बढ़ाने और दंगे करवाने के आरोप लगाए गए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम नागपुर चलते हैं। फोन लाइन पे मौजूद है खबरदार संवाददाता स्नेहदीप भोंगाड़े। स्नेहदीप जी, क्या जानकारी है? प्रोफेसर सोमा सेन को निलंबित कर दिया गया है उनके काम से? जी हाँ, प्रोफेसर सोमा सेन पर आज जो है वो नागपुर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काने ने उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया था कल, और आज उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जो जी नक्सली कार्रवाई में उनका सहयोग होने की वजह से, उनका सपोर्ट होने की वजह से, और पुणे में जो अलगार परिषद हुई थी उसके आयोजन में भी उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण के जरिए हिंसा को प्रोत्साहन करने का जो एक उन पर एक मामला जो है वो साबित हो जाने की वजह से, उस साजिश में वो शामिल होने की वजह से जो बात सामने आई थी, उसी वजह से आज जो है वो कुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ विनायक काने ने उन्हें जो है वो निलंबित कर दिया है। तो क्या इससे पहले भी उनका कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि इस तरह नक्सली गतिविधियों में वो शामिल रहे हो? इसके पहले तो अभी तक उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं निकला है, लेकिन उनके साथ में जो पुणे पुलिस ने नागपुर में 5 लोगों को इस मामले में जो है अभी गिरफ्तार किया था, जिसमें एक नागपुर के मशहूर एडवोकेट है जो सिर्फ नक्सलाइज के केसेस को हैंडल करते हैं, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग। उसके बाद में महेश राउत जी है, एक सुधीर ढवले जी है, एक रोना विल्सन करके, और ये मैडम प्रोफेसर सेन मैडम जो है, इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन जो अभी जांच हुई है पुणे पुलिस की, उसमें सामने आया है कि प्रोफेसर सेन जो है वो नक्सली कार्रवाई में उनका सक्रिय सहभाग था। पुणे की एल्गार परिषद में भी उनका जो भाषण था वो हिंसात्मक था, साथ में प्रधानमंत्री की हत्या की जो साजिश रची गई थी उनमें भी उनका कहीं ना कहीं हिस्सा है। इन सारी बातों को लेकर ही उन्हें आज जो है वो निलंबित किया गया है, और सामने भी उनकी कार्रवाई जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी, इस तरह की सूत्रों से जानकारी मिली। लेकिन उनकी बेटी का कहना है कि उनकी मम्मी जो है माँ है, जो मानवाधिकार की लड़ाई लड़ती हैं, और नक्सली गतिविधियों में उनका कोई उनका संबंध नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, उनकी बेटी ने जो बताया है वो यही है कि उनकी मम्मी, उनकी माँ का किसी तरह इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जानबूझ के उन्हें फंसाया जा रहा है। इसी तरह से जैसे सुरेंद्र गडलिंग को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो नागपुर के बार काउंसिल से लेके सभी वकील जितने भी है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन नागपुर हाईकोर्ट के सामने में खड़ा कर दिया था। उनका भी यही कहना था कि एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग को इस मामले में जानबूझ कर फंसाया जा रहा है। उसी तरह उनके बेटी का भी इस तरह का स्टेटमेंट आया हुआ है। अब जो है आगे की जांच में ही पता चल पाएगा, फिलहाल तो इन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है। और इस मामले में अभी आगे में क्या पता चलेगा, किस तरह का ये मामला जाएगा, किस तरह की जानकारी सामने आएंगी, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी स्नेहदीप जी, और ये तो जांच में ही पता चल पाएगा कि उनका नक्सली मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, और फिलहाल उन्हें प्रोफेसर के पद से निलंबित कर दिया गया नागपुर यूनिवर्सिटी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।